हाय दोस्तों, फिटिस भाई का सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। दोस्तों आज जो मैं सेटअप बॉक्स लेके आया हूँ आपके सामने है मीडिया स्टार डिजिटल सैटेलाइट रिसीवर MS4030। ये सेटअप बॉक्स को आप बिना डिस एंटीना के भी चला सकते हैं और डिस एंटीना से भी चला सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी फैसिलिटी हैं, वीडियो के साथ बने रहिएगा। और 20,000 चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ इस सेटअप बॉक्स के लिए। 20,000 चैनल्स ये बोलता है सेटअप बॉक्स, इस पर लिखा हुआ है। मैं सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा। 4K अल्ट्रा HD सेटअप बॉक्स है ये, और VPN 10 बिट पे इस पे चलता है। आप देखिए HEVC है 2.65, देख सकते हैं आप यहाँ पे H.265 HEVC है। और मॉडल का नाम ऊपर देख सकते हैं, मीडिया स्टार डिजिटल सैटेलाइट रिसीवर है। यहाँ पे MS4030 इसका मॉडल लिखा है, और यहाँ पे H.265 HEVC 4K अल्ट्रा HD यानी कि UHD HDR 10 और VP9 10 बिट आप देख सकते हैं यहाँ पे। और लुक कुछ इस तरीके का सेटअप बॉक्स का है। बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। 3D रेडी है, USB है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉरएवर है, और YouTube वाईफाई वगैरह सब कुछ है। और सारी चीज़ इसमें चलने वाली है, ये भी बता रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ है ना वैसा है इसके अंदर। क्योंकि बहुत सारे सेटअप बॉक्स ऐसे आते हैं जिन पे लिखा रहता है लेकिन अंदर कुछ होता नहीं है वो सब। तो यहाँ पे ऊपर देखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है फॉरएवर TV है, वाईफाई डोंगल है, इसके साथ में आप देखेंगे रिमोट, और 20,000 चैनल्स यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों देखिए 20,000 चैनल्स का आनंद आप इस सेटअप बॉक्स में ले सकते हैं दोस्तों। तो सेटअप बॉक्स बड़ी मुश्किल से मिलता है, और जहाँ मिले मैं बोलता हूँ आप इस सेटअप बॉक्स को परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि सेटअप बॉक्स बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं TV पे लगा के इसको चला के भी दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो आगे मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वरना तो फिर चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। स्किप मत कीजिएगा वीडियो बिल्कुल भी। यहाँ पे देखिए फुल HD भी लिखा हुआ है, और 3G आप देख सकते हैं, यानी 3G 4G 5G कोई भी डोंगल इसमें आपका सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। और पावर्ड बाय मीडिया स्टार, और इसकी वेबसाइट वगैरह सारी चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पे इसके देख सकते हैं फीचर्स वगैरह हैं, ये फीचर्स वगैरह हैं। पीछे से भी वैसा ही लिखा है इस पर जैसा कि आगे लिखा हुआ। तब मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा कि इसका लुक किस तरीके का है, और आप इसमें आनंद ले सकते हैं सारी चीज़ों का जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो देखिए सबसे पहले तो दो बैटरी इसके अंदर आपको मिल जाती है, यानी कि सेल मिल जाते हैं। एक बड़ा सा HDMI केबल इसमें आपको मिल जाता है। इसके अंदर आपको एक रिमोट मिल जाता है मीडिया स्टार का, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मीडिया स्टार लिखा हुआ है। मजबूत तगड़ा रिमोट है ये, जल्दी टूटेगा नहीं, लेकिन रिमोट इम्पोर्टेड बॉक्स है तो संभाल के रखिएगा। एक वाईफाई डोंगल इसमें आपको मिल जाता है, और मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। एक यूज़र मैनुअल भी है इसके अंदर, मैं यूज़र मैनुअल भी आपको दिखाता हूँ। ये एक यूज़र मैनुअल इसके अंदर मिल जाता है आपको, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं। अब मैं इसको बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ इसमें और फैसिलिटी क्या क्या मिलती है। यहाँ देखिए मीडिया स्टार यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वेंटिलेशन दिया हुआ है। सेटअप बॉक्स को कभी भी प्लास्टिक वगैरह से किसी से बंद करके मत रखिएगा, खुला रहना चाहिए जिससे कि उसकी हीट बाहर निकलती रहे। तो हीट के लिए ये सब दिया हुआ होता है, वेंटिलेशन देख सकते हैं आप, और नीचे भी होता है, ठीक है। अब पीछे से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आप प्लग एंड प्ले कर सकते हैं, डायरेक्ट पावर में लगेगा। यहाँ पर इसका एक ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, ये ऑन ऑफ का स्विच है। और यहाँ पे देखेंगे यानी कि डायरेक्ट लैन केबल आप इसमें लगा सकते हैं, उसकी सुविधा भी इसमें दी हुई है। वाईफाई डोंगल भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे AV केबल लगा सकते हैं, यानी कि डब्बा TV पे भी चलेगा ये सेटअप बॉक्स, यानी CRT TV जो होता है उस पर भी चलेगा। कितने ही बड़े LED TV पर लगाइए, 4K अल्ट्रा HD सेटअप बॉक्स है तो क्लियरिटी तो आपको एकदम क्रिस्टल मिलने वाली है। यहाँ पे वाईफाई डोंगल लगाने के लिए, या फिर पेन ड्राइव कार्ड रीडर वगैरह लगाने के लिए एक USB का पोर्ट दिया है। ऊपर देखेंगे RS-232 के लिए भी दिया है, यानी कि सॉफ्टवेयर वगैरह अगर आपको करना है तो आप कंप्यूटर के द्वारा भी कर सकते हैं। HDMI केबल का ऑप्शन दिया है, ये कॉक्सियल के लिए दिया है, देख सकते हैं आप, ये कॉक्सियल केबल भी इसमें आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये जो LNB से जो आपका केबल आएगा डिस एंटीना से, वो आप यहाँ लगा सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी सैटेलाइट पर ये वर्क करता है, ऐसा नहीं है कि एक ही सैटेलाइट पर चलेगा, बहुत सारी सैटेलाइट पर ये वर्क करता है। और हर तरीके के चैनल यानी कि सभी टाइप के चैनल इस पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं सर ये वाला चैनल आएगा कि ये वाला नहीं आएगा, ये वाले भी आएंगे कि वो वाले भी आएंगे, ये वाले वो वाले ये वाले वो वाले सब चैनल इस पे आपको देखने के लिए मिलेंगे डिस एंटीना से भी,
और बिना डिश एंटेना के भी। अगर आप बिना डिश एंटेना के देखना चाहते हैं तो पूरी दुनिया के कंट्री वाइज चैनल्स आप इसमें देख सकते हैं। इंडिया के देखने इंडिया के देख सकते हैं, आपको कनाडा के देखने कनाडा के देख सकते हैं, आपको यूएस के देखने यूएस के देख सकते हैं। इंडिया के चैनल आप इंडिया के बाहर ले जाके भी देख सकते हैं, यूएस के चैनल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया के चैनल आप कनाडा में देख सकते हैं, इंडिया के चैनल आप ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं आप चैनल्स। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको चैनल्स देखने होते हैं लेकिन रहते दूसरी जगह, वहाँ पर उनको चैनल्स देखने के लिए नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ से पैक है, एक यूएसबी पोर्ट इसके अंदर दिया हुआ है, यहाँ से पैक है, प्लास्टिक लगी तो मैं निकालूंगा नहीं। और यहाँ पे मीडिया स्टार लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए इसका मॉडल नंबर है मीडिया स्टार 4030 और यहाँ पे इसके बटन्स दिए हैं, ये ओके है, मेनू है, प्लस माइनस वॉल्यूम, प्लस माइनस चैनल, प्लस माइनस और पावर का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इसके जो नंबर्स वगैरह हैं जो डिजिटल इसका इंडिकेट होता है यहाँ पे होता है। यहाँ पे इसकी पूरी आपको चैनल्स का नाम भी आएगा यहाँ पे और नंबर भी आएगा, तो इसमें चैनल का नाम तक आता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो दोस्तों बहुत बढ़िया सेटअप बॉक्स है, अभी चलेंगे टीवी पर, टीवी पर लगा कनेक्ट करके इसका लुक और मेनू मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का सेटअप बॉक्स है और आपको क्यों खरीदना चाहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये परचेज करना है तो आप मार्केट में या कहीं भी आपको जहाँ भी मिले वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। सेटअप बॉक्स बहुत बढ़िया है, आपको कोई घाटा नहीं होने वाला है, आप ये सेटअप बॉक्स खरीदने के बाद फ़ायदे में ही रहेंगे। अगर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ये वीडियो का जो टाइटल है जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन ओपन होने के बाद उसमें सबसे ऊपर मिलेगा आपको व्हाट्सअप नंबर, उस पर जाइए व्हाट्सअप कीजिए कि आपको चाहिए मीडिया स्टार MS4030 अल्ट्रा HD सेटअप बॉक्स। और ये सेटअप बॉक्स को आप कितने भी बड़े, मैं वापस बताता हूँ, कितने भी बड़े आप टीवी पर लगाइए आपको पिक्चर क्वालिटी एकदम क्रिस्टल मिलने वाली है, बिना रुके चलने वाला सेटअप बॉक्स है। जी हाँ दोस्तों, ये हमेशा चलता है, हर सैटेलाइट पे चलता है और बिना रुके चैनल चलते हैं इसमें एकदम स्मूथ, बहुत ही अच्छा सेटअप बॉक्स होता है। ये टीवी पर लगाते हैं और देखते हैं इसके अंदर लुक और मेनू किस तरीके का आता है। तो दोस्तों हम आ गए टीवी पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो लोगो है वो आ चुका है। अब हम इसके मेनू में चले जाते हैं तो मेनू का लुक आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा और इसमें देख सकते हैं आप कि इसका जो मेनू है किस तरीके से आता है। और इसमें सबसे ऊपर आपको एंटीना सेटिंग सबसे पहले आ जाती है, उसके नीचे USB यानी कि पेन ड्राइव वगैरह जो भी आप लगाते हैं वो यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। अभी इसमें मैंने पेन ड्राइव नहीं लगाई हुई है। नीचे देखेंगे यहाँ पे रिमूव डिवाइस सेफली, यानी कि आप पेन ड्राइव यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट है, यूजुअल सेटअप और पैच मेन्यू है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट हम इसको राइट करके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टीवी चैनल लिस्ट आ जाती है, रेडियो चैनल लिस्ट है और जो फेवरेट चैनल वगैरह आप लगाते हैं वो आ जाता है। रेडियो की भी फेवरेट लिस्ट आप बना सकते हैं। यूजर चैनल लिस्ट है जो आप अपनी चैनल लिस्ट बनाएंगे वो, उसका भी दिया हुआ है ऑप्शन। और IKS चैनल कलर्स का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ पे सिस्टम सेटिंग मिल जाती है आपको, आप देख सकते हैं ये डॉल्बी डिजिटल जो है इसका ऑडियो है, डॉल्बी डिजिटल साउंड सपोर्टेड सेटअप बॉक्स है और बहुत ही बेहतरीन सेटअप बॉक्स है ये। OSD सेटअप यहाँ पे है, CHMX सेटिंग मिल जाती है इसमें, HDMI मिल जाता है, पैरेंटल कंट्रोल, CA मेनू, कलर सेटिंग, अबाउट सेटअप बॉक्स आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों एकदम लेटेस्ट है, 20/10/2023 आप ऊपर देख सकते हैं MS4030। तो दोस्तों इसके अंदर आपको कोई भी वाईफाई डोंगल आपका इसके अंदर काम करता है, 4 टाइप के वाईफाई डोंगल इसमें दिए हुए हैं तो वो आपके इसमें काम कर जाएंगे। तो दोस्तों अबाउट अस इसका जो कंपनी का है, टेलीग्राम वगैरह ये सारी चीज़ इसमें दी हुई है, इसका उपयोग आप कर सकते हैं, वेबसाइट है और सेल्स मैनेजर का नंबर वगैरह इसमें सारी चीज़ दी हुई है। तो दोस्तों ये सेटअप बॉक्स जो है बहुत ही ज़बरदस्त है और इसके अंदर आप जूम सिग्नल वगैरह वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको इसमें और बता दूं कि ये सेटअप बॉक्स बिना डिश एंटेना के काम करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, बिना डिश एंटेना के आप इसमें चैनल्स वगैरह का आनंद ले सकते हैं। और डिश एंटेना से तो आप लेते ही हैं और सारे चैनल्स, जो चैनल्स आप देखना चाहते हैं वो सारे चैनल्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे टाइम सेटिंग, इवेंट टाइमर, स्लिप टाइमर, स्टैंड बाई, ये सारी चीज़ें, कैलेंडर वगैरह इसमें आपको मिल जाता है। नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें आपको इसमें अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन। और ये जो है मैं बताऊँ आपको, ये ऑटो रोल सेटअप बॉक्स है, इसके अंदर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब भी कोई अपडेट आएगा तो आपको ऑटो अपडेट इसमें आ जाएगा, आपका सेटअप बॉक्स उस टाइम पे
कनेक्ट रहना चाहिए इन्वर्टर से जब भी आप कोई भी अपडेट करेंगे। तो यहाँ में सिनेमाना, डेली मोशन, वीजर रेडियो, कुरान लाइव, प्रेयर टाइम, DLNA, DMP और मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं दोस्तों। तो देखेंगे ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है। एक्सट्रीम भी मिल जाता है इसके अंदर, स्ट्रीम मिल जाता है, स्टॉकर है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। रेडियो और नीचे मोबाइल एप्लीकेशन जैसा मैंने बताया, उसके नीचे भी आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको टिकटॉक भी मिल जाता है दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप बॉक्स जैसा कि मैं अभी बताया आपको, और वाईफाई यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, 3G डोंगल, 4G डोंगल, 5G डोंगल यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। IP सेटिंग है इसके अंदर, अपग्रेड सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन आप अपग्रेड कर सकते हैं, VPN भी एक्टिव कर सकते हैं, एक्टिव कोड है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं दोस्तों। तो आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एंटीना सेटिंग वापस आ जाता है। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती है। तो अगर आपको ये सेटअप बॉक्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। अगर आपको चैनल वगैरह स्कैन करने हैं इसके अंदर, तो कुछ इस तरीके से आप एंटीना सेटिंग में जाके यहाँ पे दूरदर्शन वगैरह के जो भी चैनल आपको स्कैन करने हैं वो सैटेलाइट सेलेक्ट करके आप उनको चैनल को स्कैन कर सकते हैं। और जूम सिग्नल का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे आपका जूम सिग्नल का ऑप्शन भी आ जाता है, यानी कि अगर आपको सैटेलाइट वगैरह सेट करनी है या फिर चेक करना है कि आपके सिग्नल कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब स्ट्रेंथ और क्वालिटी आपकी कितनी है, तो वो भी यहाँ पे आपको बताता है दोस्तों। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, सिग्नल ऑडियो भी आप ऑन कर सकते हैं F1 बटन प्रेस करके, और बैच मेन्यू भी इसके अंदर दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। 20-20 से देख सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा सेटअप बॉक्स है ये, अगर आप ये सेटअप बॉक्स को लेना चाहते हैं जहाँ मिले वहाँ से आप पहली फुर्सत में ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पे जो और वीडियोस डले हुए हैं उनको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही प्यारे वीडियो हैं, बहुत ही अच्छे वीडियो हैं, बिना डिश एंटीना के सेटअप बॉक्स के वीडियो और आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर जो फ्रेडिस भाई यूट्यूब चैनल है। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेडिस भाई का जय हिंद।